दशहरा आने में भले ही कुछ वक्त बाकी हो, लेकिन शिवसेना की दशहरा रैली को लेकर नई रार जरूर शुरू हो गई है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने यह आरोप लगाया है कि तमाम अधिकारी पार्टी की वार्षिक दशहरा रैली की अनुमति के लिए दिए गए आवेदन को स्वीकार नहीं कर रहे। दशकों से शिवसेना मुंबई के दादर इलाके स्थित शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करती रही है। ये रैली दिवंगत शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे के उग्र भाषणों का पर्याय होती थी। मीडिया ने जब आदित्य ठाकरे से शिवसेना के दोनों गुटों उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट द्वारा रैली की अनुमति मांगे जाने के बारे में पूछा, तो इस पर उन्होंने कहा कि शिवसेना मुंबई में वार्षिक दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति लगातार मांग रही है, लेकिन अधिकारी हमारा आवेदन ही स्वीकार नहीं कर रहे। ये एकनाथ शिंदे गुट की दमनकारी सरकार है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि शिवसेना मुंबई में अपनी वार्षिक दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति पिछले कई दिनों से मांग रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे सरकार के अधिकारी हमारे आवेदन को ही स्वीकार नहीं कर रहे। ये सरकार दमनकारी है, नियम और कानून इनके लिए कुछ नहीं है। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या एकनाथ शिंदे गुट दशहरा रैली को हाईजेक करने की कोशिश कर रहा है, तो आदित्य ठाकरे ने कहा कि लोगों को पता चल गया है कि विद्रोहियों के मुखौटे के पीछे क्या है और वे इसे पसंद नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि उनकी शिव संवाद यात्रा को राज्य भर में बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली। महाराष्ट्र देश और दुनिया के लोगों ने देखा कि ये यानी शिंदे सरकार खोखे की सरकार है। उन्होंने ये भी कहा कि शिव संवाद यात्रा को पूरे राज्य में पसंद किया गया, लोग हमसे जुड़े। बाला साहेब ठाकरे के पोते आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र और देश की जनता ने ये देखा है कि कैसे बागी विधायकों ने रुपए लेकर पाला बदला है और महाराष्ट्र में खोखा का अभिप्राय 1 करोड़ रुपए से होता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि जनता शिवसेना के साथ खड़ी है, न कि इन गद्दारों के साथ। अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री और शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी की परंपरागत दशहरा रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS पर खूब भड़ास निकाली थी। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि संघीय ढांचे में राज्य को सार्वभौमिकता दी गई है, लेकिन केंद्र लगातार हमारे कामकाज में हस्तक्षेप कर रहा है। महाराष्ट्र को अलग नजरिए से देखा जा रहा है। एक मंत्री पर FIR दर्ज करने के लिए कोल्हापुर जाने से बीजेपी नेता किरीट सोमैया को रोका गया, तो प्रचार करने लगे कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया। पुलिस को भी माफिया बता दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश को रोका गया, राहुल को रोका गया, प्रियंका को नजरबंद किया गया, तो क्या वहां लोकतंत्र के बाग लहलहाने लगे हैं? वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।